उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। महाविद्यालय मोड़ासा ने मालवन केशापुर प्राथमिक विद्यालय में आजादी का अमृत महोत्सव पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के योगदान को याद किया गया। संपूर्ण कार्यक्रम कला महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर दीपक जोशी के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया, जिसमें कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉक्टर अशोक भाई पटेल एवं सह प्राध्यापक मनुभाई मकवाणा, प्रोफेसर देशमुख मालवन के हिमांशु व्यास, समाजसेवी व केशापुर स्कूल के प्रधानाध्यापक अल्पेश भाई पटेल व स्कूल परिवार ने एक व्याख्यान का आयोजन किया, जिसमें बाकरोल के सामाजिक कार्यकर्ता व पत्रकार हिमांशु भाई व्यास ने देश में अपने योगदान के बारे में बताया और स्वतंत्रता आंदोलन की जानकारी दी। बड़ी संख्या में छात्र छात्रा भाई बहन एवं स्कूल के विद्यार्थियों ने अपनी उपस्थिति दी और कार्यक्रम को सफल बनाया, जिसमें मकवाना ने विस्तृत जानकारी दी और वर्क ऑर्डर प्रावधान का प्रबंधन भी देशमुख ने किया। उज्ज्वल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। प्रहलाद सिंह राठौड़, धन्यवाद। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत हम देख रहे हैं कि पूरे भारत भर में अनेक संस्थाओं के द्वारा कार्यक्रम हो रहा है। उसी के तहत आर्ट्स कॉलेज मोड़ासा और केशापुर मालवण प्राथमिक शाखा के द्वारा एक संकल्प प्रयोग का कार्यक्रम किया जा रहा है। आज हम उसके बारे में बात करेंगे और सर जी की राय लेंगे। नमस्कार सर जी, आपका नाम? मनुभाई मकवाणा, आर्ट्स कॉलेज मोड़ासा। आज के प्रोग्राम के बारे में आप थोड़ी सी जानकारी दीजिए। भारत सरकार के आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम अंतर्गत मालवण केशापुर स्कूल में नजदीक नो एक गाम छे महादेव ग्राम, अन त्या आगे महात्मा गांधी जी अस्थि पधरावामां आव्या हता, एनी यादगिरी रूपे अहीं एक कार्यक्रम आ गाम में राखवामां आव्यो छे, जेथी बाळकों में राष्ट्रीय भक्ति पैदा थाय, आज़ादी की चळवळ विषे एमनामां थोड़ी सभानता आवे। आ विस्तारना स्वातंत्र वीरो अने गांधीजीना खास मित्र एवा महादेव भाई देसाईनुं पण आ विस्तारमां बहु मोटुं प्रदान छे, अने जेनाथी बाळकोमां एक प्रकारनी राष्ट्रीय भक्ति पैदा थाय, स्वतंत्रतानी चळवळ शुं छे, आज़ादीनो यज्ञ शुं छे ए जाणी शके। आपकी बात सही है, छात्रों में और पूरे भारतभर के लोगों में ये जानकारी पहुँची है कि भाई अरवली जिले के मोड़ासा शहर में भी मिनी राजघाट आया हुआ है और यहाँ के गांधी जी के विचार है वो व्यक्ति व्यक्ति तक पहुँचे, जन जन तक पहुँचे, ऐसा ऐसी सोच के साथ मोड़ासा आर्ट्स कॉलेज द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। हमारे साथ दूसरे प्रोफेसर साहब हैं, उनसे भी बात करेंगे। नमस्कार सर जी। नमस्कार। जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, पूरा देश में अभी कार्यक्रम चल रहा है, छोटे छोटे बच्चे और आज की युवा पीढ़ी में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया और ये बच्चे जब बड़े हो गए तो कार्यक्रम के अनुरूप देश में अभी कार्यक्रम चल रहा है, छोटे छोटे बच्चे और आज की युवा पीढ़ी में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया और ये बच्चे जब बड़े हो गए तो कार्यक्रम के अनुरूप जिन लोगों ने ये आज़ादी में भाग लिया है और बलिदान दिया है उसको हम याद रखेंगे और नई पीढ़ी भी ये याद रखेंगे और इसके आगे देश का एक भाग में जो लोग भूल रहे हैं उसे याद करें और अपनी आज़ादी का ये गर्व मना रहे हैं। हमारे साथ युवा छात्र भी है, उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी जानकारी लेंगे कि आप आज़ादी तो मिल गई लेकिन आज़ादी का मूल्य को कैसे सुरक्षित रखा जाए, तो आपके लिए आपकी सोच क्या है नए युवा जनरेशन से, और उनसे भी बात करेंगे। नमस्कार, आपका नाम क्या है? नमस्कार, मेरा नाम आकाश प्रजापति है, आर्ट्स कॉलेज मोड़ासा से आए हैं और आज़ादी का अमृत अंतर्गत मोड़ासा से 10 किलोमीटर दूर मालवण केशापुर नाम का एक गांव है, जहां पास ही में एक गांव है महादेव ग्राम, जहां गांधी जी का मिनी स्मारक है, उसके अंतर्गत बच्चों में छात्रों में उनके लिए उनके प्रति जो उनके विचार हैं वो बच्चों तक पहुँचे, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी उन तक पहुँचे, उसके लिए हम आज यहाँ पर आए हैं। उनका भी कहना था कि जो सोच है गांधी जी के विचार है, गांधी जी आज नहीं है लेकिन उनका जो आदर्श है वो अभी भी जिंदा है और यहाँ के आसपास के गांव में गुजरात में, क्योंकि हर एक क्रांति के पीछे कहीं ना कहीं हम देखते हैं तो
गुजरात अग्रेसर है, चाहे महात्मा गांधी हो, नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, और गुजरात के विकास में एक नया जोर रखने वाला राज्य हो तो गुजरात है, और ये बात साबित करके दिखाइए। हिमांशु व्यास, उज्ज्वल भारत न्यूज़, अरवल। Thank you.